नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लौकी के पकौड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। ये एक हमने लौकी ली थी छोटी सी, तो इसके छिलके उतार करके धो करके और ये तीन पीसेस में इस तरीके से कट कर लिया है। थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, मिर्ची पाउडर, बेसन, धनिया पाउडर और ये हरी मिर्च होती है। चलिए हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। ये देखिए एक चक्कू लेंगे और ये हमने लौकी ले ली है, तो इसके ऐसे हम गोल गोल पीसेस कट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए जो हमने लौकी ली थी, तो इसके हम इस तरीके से पीसेस कट कर लिए हैं और धो हमने पहले ही लिया था, तो इसलिए इसको अब हम नहीं धोएंगे। चलिए हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। इस तरीके से बर्तन ले लेंगे, बाउल ले लेंगे, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं आप अपनी पसंद से। ये जो हमने बेसन लिया है ये डाल देंगे इसी में, हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्ची, नॉर्मल वाली लाल मिर्ची जो हमने घर में बनाया है इसको, और ये धनिया पाउडर। आप चाहे तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं मसाले, जैसे गरम मसाला वगैरह, लेकिन हम गरम मसाला इसमें कभी भी नहीं डालते। कोई भी पकौड़े बनाती हूँ तो उसमें गरम मसाला हमको नहीं अच्छा लगता, तो हम नहीं डालते हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, अगर आप खाना पसंद करते हैं गरम मसाला पकौड़े में तो डाल सकते हैं। ये सबको हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च डाल देंगे और इसको भी इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे सारे मसाले मिल चुके हैं, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसका अच्छा घोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए आप इसका बैटर देख सकते हैं कि कितना पतला और कितना गाढ़ा है। चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। ये देखिए तेल हमने चढ़ा दिया है गैस पे और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे, इसके बाद हम अपने पकौड़े तलेंगे। ये देखिए हीट आने लगी है, हमको इतना ही तेल गर्म चाहिए। अब हम गैस को कर देंगे मंदी और जो हमने ये बेसन खोला है तो उसमें ये जो लौकी के हमने गोल गोल पीसेस कट करेंगे उसको इस तरीके से अच्छे से डिप कर लेंगे और इसमें इस तरीके से डाल देंगे। इसी तरीके से सारे ये लौकी के टुकड़ों को इस तरीके से डिप करेंगे और इसमें इस तरीके से डालते जाएंगे। अब हम इसके एक एक पीसेस इस तरीके से पलटेंगे। तो ये हमने पहले डाला था तो पहले इसको पलट देंगे और ये पीसेस हमने अभी बाद में डाला है तो इसलिए अभी इनको मैंने नहीं पलटा है, और ये वाला भी पहले का है तो इसको भी पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा फूला है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। बस लौकी को छीला, धोया और गोल गोल पीसेस कट किए और फटाफट बन गए। ये देखिए हमारे पकौड़े पक चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल देंगे। तो हम इसको इस तरीके से किनारे में लगाएंगे ताकि इसका जितना भी तेल है ना पूरा निकल करके इसी कढ़ाई में चला जाए। ये देखिए इतने हमारे पकौड़े बन चुके हैं। इसी तरीके से हम सारे पकौड़े बना करके तैयार कर लेंगे। ये हमारे बहुत ही टेस्टी लौकी के पकौड़े बनकर के तैयार हैं। बनाने में बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।